अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल आसमास किचन में। तो आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो चलिए आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं मैंगो डिलाइट। तो इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी पहले आप वो देख लें। तो यहाँ पर हमने 2 कप के करीब दूध लिया है और 3 टेबल स्पून साबूदाना। साबूदाने को 1 से 2 घंटे पहले हमने पानी में भिगा के रखा था। तो ये देखिए साबूदाना अच्छी तरह भीग गया है। तो इस तरीके का भीगा हुआ साबूदाना हमें चाहिए। और 2 टेबल स्पून दूध लेंगे और 1 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर। तो ये दूध हम डालेंगे कस्टर्ड पाउडर में, तो इसका हम घोल तैयार कर लेंगे। और 2 से 3 टेबल स्पून लेंगे हम चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये कस्टर्ड का घोल तैयार करेंगे। तो ये दूध को रखेंगे हम एक तरफ, ये चीनी भी रखेंगे एक तरफ, और ये कस्टर्ड में डालेंगे हम दूध। और दूध यहाँ पर हम बिल्कुल ठंडा लेंगे, लम्स इसमें एक भी ना रहने दें, इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। तो ये देखिए कस्टर्ड के घोल को हमने तैयार कर लिया है। अब इसे रखेंगे हम एक तरफ और रखेंगे दूध को पकने के लिए। तो ये दूध को रख देते हैं हम गैस पर। तो दूध में जब अच्छे से उबाल आने लगे तो इसमें हम डालेंगे ये चीनी। तो बस चीनी को थोड़ा सा मेल्ट कर लेते हैं। जब चीनी मेल्ट हो जाएगी तो इसके बाद हम डालेंगे कस्टर्ड का घोल। तो ये देखिए चीनी अच्छी तरह मेल्ट हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे ये कस्टर्ड का घोल। तो घोल को हम इस तरह डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। तो कस्टर्ड के घोल को आप एक बार में पूरा ना डालें, थोड़ा थोड़ा डालते जाएं, यानी एक धार में डालें और दूध को चलाते रहें। इससे क्या होगा कि कस्टर्ड अच्छी तरह दूध में मिक्स हो जाएगा। और अगर आप एक बार में पूरा कस्टर्ड का घोल डाल देते हैं तो वो उसमें लम्स बन जाएंगे और फिर अच्छे से मिक्स नहीं होगा। तो ये देखिए कस्टर्ड अच्छी तरह मिक्स हो गया है और ये ना ज़्यादा पतला है और ना ज़्यादा ये गाढ़ा है। तो जैसा कस्टर्ड हमें चाहिए था बिल्कुल वैसा ही बन गया है। बस इसे हम 2 से 3 मिनट और पका लेंगे। इसके बाद हम गैस को बंद करेंगे और इसे रखेंगे ठंडा होने के लिए। तो बस 2 से 3 मिनट पकाने के बाद में अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। तो पैन में हमने 2 से 2.5 गिलास पानी को उबाल लिया है। अब इसमें हम डालेंगे ये साबूदाना। तो ये देखिए साबूदाने को हम अच्छी तरह पका लेंगे और साबूदाना हमें यहाँ पर तब तक पकाना है जब तक कि ये साबूदाना ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। तो गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पर रखेंगे और इसे पकने देंगे। तो ये देखिए साबूदाना अच्छी तरह पक गया है, ये ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे हम छान लेंगे, इसका पानी हम छान देंगे और ठंडे पानी से इसे हम 2-3 बार धो लेंगे। तो ये देखिए इसे अब हम छान देंगे। तो बस इस तरह ठंडा पानी डालते जाएंगे और इसे हम ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए कस्टर्ड भी अच्छी तरह ठंडा हो गया है और यहाँ पर हमने 1 से 1.5 कप के करीब आम ले लिए हैं और आम को इस तरह क्यूब में काट लिया है। तो अब आम को हम डालेंगे एक जार में। तो ये जार में डाल देंगे हम आम। तो अभी हमने थोड़ा डाला है ताकि आम अच्छे से पिस जाए। जब आम अच्छी तरह पिस जाएंगे तो ये सारा हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए आम अच्छी तरह पिस गया है। अब बचा हुआ कस्टर्ड जो है वो भी हम इसमें डाल देंगे और सारी चीजों को कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो एक बार हम इसे डालकर और मिक्स कर लेंगे, यानी चला लेंगे। तो ये देखिए सारी चीज़ों को हमने कर लिया अच्छे से मिक्स। अब इसे निकाल लेंगे हम एक बाउल में और ये डाल देंगे हम साबूदाना और थोड़े से डालेंगे ड्राई फ्रूट। तो बादाम बारीक कटी हुई, चिरौंजी और थोड़ी सी रख लेंगे हम गार्निशिंग के लिए। तो यहाँ हम बड़ा वाला चम्मच ले लेते हैं, ये देखिए। तो ये सारी चीज़ों को कर लेंगे अच्छे से मिक्स। ये देखिए सारी चीज़ों को कर दिया हमने मिक्स। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का ये मैंगो डिलाइट लग रहा है। अभी हम इसे फ्रिज में रखेंगे और थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। जब हम इसे ठंडा करके सर्व करेंगे तो तब ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो अब इसकी करेंगे हम पहले गार्निशिंग और इसे रखेंगे हम फ्रिज में। तो पहले इसकी गार्निशिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़े से पिस्ता और बादाम को इस तरह काट लिया है, ये डाल देंगे। और ड्राई फ्रूट आप यहाँ पर कोई सा भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो उस हिसाब से आप इसमें ड्राई फ्रूट डाल दें। और ये जो बीच में जगह है इस पर हम डालेंगे थोड़ी सी मलाई। मलाई हम इसलिए डाल रहे हैं कि हम इसमें जो मैंगो की पीस डालेंगे तो वो नीचे बैठ जाएंगे अगर हम मलाई नहीं डालेंगे, और मलाई के ऊपर डालेंगे तो जो मैंगो के पीस हम इसमें डाल रहे हैं वो नीचे नहीं बैठेंगे। तो आप चाहें तो बिना मलाई के भी इसे डाल सकते हैं। तो ये जो क्यूब हमने काट लिए हैं मैंगो के,
अब इसके ऊपर हम ये क्यूब को इस तरह रख देंगे। तो बस इसे अब हम रखेंगे फ्रिज में ठंडा होने के लिए। तो आधा घंटे के लिए हम इसे रख देते हैं फ्रिज में, और जब ये अच्छी तरह ठंडी हो जाएगी फिर हम इसे सर्व करेंगे। तो रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। रेसिपी पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।